सिंगरौली में प्रदूषण के चलते प्रशासन ने पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगने के बाद पटाखा व्यापारियों ने SDM से मुलाकात कर व्यापार में हो रहे घाटे के बारे में चर्चा की। इस पर प्रशासन ने व्यापारियों को रास्ता निकालने का आश्वासन दिया। दिवाली के अवसर पर NGT की मांग पर प्रशासन ने पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने इस दिवाली पटाखों और प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर सैकड़ों पटाखा व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि लगभग 164 व्यापारियों के लाइसेंस जारी हो गए हैं, जिसमें उन्होंने साहूकारों से कर्ज लेकर लाखों रुपए पटाखा खरीद लिया है। अब बिक्री नहीं होने पर उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। SDM विकास सिंह ने व्यापारियों की मांग पर उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कही। इस दौरान सांसद रीति पाठक भी मौजूद रही। कलेक्टर से मिलने आए हैं। एक हफ्ते पूर्व जो है SDM के द्वारा सभी दुकानदारों को, पटाखा वाले दुकानदारों को लाइसेंस दिया गया था और आश्वासन दिया गया था कि पटाखे की दुकान लगेगी, और कल का जो स्टेटमेंट है कलेक्टर महोदय जी का, उसके हिसाब से दुकानें पटाखे की दुकान बेच पटाखे बेचना और पटाखे जलाना दोनों प्रतिबंध किया गया है। ऐसे में व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो 1-2 लाख का माल जो है उठा लिए हैं परमिशन मिलने की वजह से। अगर परमिशन ना मिला होता तो ये माल उठाए भी ना होते। अब जो है कि उनका मरण हो गया है। इस सिचुएशन में अगर दुकानें नहीं लगती हैं तो काफ़ी नुकसान होगा। मामला हम लोगों का पटाखा वाला है सर। 9 तारीख को हम लोगों को लाइसेंस जारी कर दिया गया और हम लोग अपना माल भी खरीद लिए। इधर लॉकडाउन की वजह से हम लोग परेशान हो गए और माल ले आके फंस गए। आज के न्यूज़ में देखे कि सारे आदेश निरस्त कर दिए गए। देखिए, अभी तो कलेक्टर साहब से बात हुई है और आपने सबको आश्वस्त किया है कि चर्चा करके, क्योंकि NGT के निर्देश इतने हल्के से नहीं लिए जा सकते। पूरे देश के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए भलाई का विषय है ये। और आप देख रहे हैं कि सिंगरौली का जो जगह है प्रदूषण के मामले में सबसे ऊपर पे होगा ना, फर्स्ट पे होगा, तो मुझे मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि बेहद गंभीर विषय है। और उसके साथ ही हमारे लिए आप लोग की भी प्राथमिकता है कि आप लोग का व्यापार जो इस माध्यम से चल रहा है, अभी लॉकडाउन का समय था, इस समय कोविड के सीजन में जिस तरह से नुकसान आपका हुआ है और अभी आप पटाखे वगैरह खरीद कर लेकर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत गंभीर स्थिति हो गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।